नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। केबीसी 15 कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे पटना के खान सर, अमिताभ बच्चन को पढ़ाई ऐसी फिजिक्स, हैरत में पड़े बिग बी। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति 15 का हालिया एपिसोड बेहद दिलचस्प रहा। शो में अमिताभ बच्चन के सामने पटना के पॉपुलर खान सर विराजमान हुए। उनके साथ कॉमेडियन जाकिर खान भी केबीसी 15 में हिस्सा लिए। कौन बनेगा करोड़पति 15 के पूरे एपिसोड में तीनों की मस्ती देखने को मिली। वहीं अब केबीसी 15 से खान सर के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 का लेटेस्ट एपिसोड लगातार चर्चा बटोर रहा है। शो के हालिया एपिसोड में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर टीचर खान सर पहुंचे। उनके साथ स्टैंड अप कॉमेडी के किंग जाकिर खान ने भी हिस्सा लिया। दोनों ने बिग बी के साथ मिलकर केबीसी 15 के मंच पर खूब मस्ती की। कौन बनेगा करोड़पति 15 में पटना के खान सर ने अपने सफर के बारे में बताया। इस बीच उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी थोड़ी फिजिक्स सिखाने की कोशिश की। उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट अमिताभ बच्चन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका इतना दिलचस्प था कि बिग बी भी इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाए। खान सर की कुछ सेकेंड्स की क्लास अटेंड करने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपना रिव्यू शेयर किया। केबीसी होस्ट ने कहा कि खान सर ने उन्हें जो सिखाया है वो इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। खान सर ने बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन को अपने स्ट्रगलिंग के दिनों के बारे में भी बताया। खान सर ने कहा कि सेना में जाना चाहते थे, उन्होंने एनडीए के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन हाथ की चोट की वजह से फिजिकल टेस्ट में बाहर हो गए। खान सर ने ये भी बताया कि वो उनसे स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। कई बार उनके दोस्त उनसे कहते थे कि वो जो भी उन्हें पढ़ाते हैं वो सब समझ आता है। खान सर ने कहा कि वो जहाँ रहते थे वहाँ के मकान मालिक से उन्होंने कहा कि वो किराए के बदले उनके बच्चों को पढ़ा देंगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक कोचिंग में टीचर की जॉब भी मिल गई। पहले दिन क्लास में सिर्फ 7 से 8 बच्चे थे, लेकिन उसके बाद 50, 100, 200 करके बढ़ते चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे 60 लाख स्टूडेंट तक पहुंच गए हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। ब्रिटेन के गणेश उत्सव में भारतीयों की धूम। इंदौर सहित देश भर के 2000 से ज्यादा लोग ग्लासगो सिटी में जुटे, भंडारा भी हुआ। दरअसल ब्रिटेन में ग्लासगो की सड़कों पर रविवार को मिनी मुंबई की झलक देखने को मिली। मौका गणेश उत्सव के तहत बप्पा की शोभा यात्रा का था। इसमें ध्वजवाहकों से लेकर ढोल ताशे के साथ 2000 से अधिक लोग पारंपरिक मराठी वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान सड़कों पर गणपति बप्पा मोरिया और जय शिवाजी जय भवानी के जयकारे लगाए गए। इसमें इंदौर के अलावा मालवा, निमाड़ समेत देश भर से आए प्रवासी शामिल हुए। आयोजक अभिजीत चौहान ने बताया कि यह 5वां साल है जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं और उत्सव का आयोजन ग्लासगो इंडियंस ग्रुप करता है। यह पहली बार है जब शोभा यात्रा निकाली गई। चौहान के साथ ग्लासगो में रहने वाले नयन नागर ने बताया कि 7 समंदर पार अपनी संस्कृति को प्रसारित करने का जिम्मा उठाने वाले ग्रुप का है ग्लासगो इंडियंस ग्रुप। पहली बार शोभा यात्रा के लिए ग्रुप वॉलंटियर्स ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। ग्रुप में शामिल गोवा के मिथिलेश भेंडे ने ढोल ताशे बजाना सिखाया। उनके साथ ही अनूप आप्टे ने तालमेल की प्रैक्टिस करवाई। आप्टे मूल रूप से इंदौर के रहने वाले हैं। पंचमी के दिन जब जॉर्ज स्क्वायर ने शोभा यात्रा शुरू की तो सबसे आगे भगवा ध्वज पथक रहे, उनके पीछे लेजिम थे। शोभा यात्रा ग्लासगो के प्रसिद्ध मंदिर पर समाप्त हुई। महिला दल में शामिल शीतल चतुर्वेदी ने बताया कि आखिर में भंडारा हुआ जिसमें करीब 2500 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। ग्लासगो में भारतीय समुदाय बप्पा की स्थापना मंदिर में करता है। घर पर बप्पा की स्थापना के बाद विसर्जन के लिए मंदिर को सौंप देते हैं। रुक करते हैं एक और खबर का। इंदौर में गणेश उत्सव का 7वां दिन, माहेश्वरी बॉयज हॉस्टल में गणेश उत्सव की धूम। ढोल ग्यासर पर लगा गजानन को फलहारी भोग। दरअसल सीता देवी जग नारायण जाजू माहेश्वरी बॉयज हॉस्टल में धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। कमेटी के सदस्यों की तरफ से
प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें विशेष आरती पूजन और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। गणेश उत्सव के सातवें दिन प्रथम पूज्य गजानन का विशेष पूजन किया गया, साथ ही ढोल ग्यारस के मौके पर गणपति को फलाहार का भोग अर्पित किया गया, जिसे आरती के बाद भक्तों में वितरित किया गया। हॉस्टल रहवासी बच्चों ने बताया कि फूल पत्तों लाइट के साथ कैलाश के जैसी विशेष साज सज्जा कर विश्राम की मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते गजानन की आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है। सभी बच्चे आरती पूजन कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, कष्ट निवारण करने की विनती करते हुए बप्पा की जय जयकार करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।